दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बात है? आपसे एक बात बोलने का है साहब। देखो साहब, मैं बहुत छोटा आदमी है साहब, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। वो सुमन को छोड़ के मेरे पास कुछ नहीं है साहब। अगर सुमन की तरफ कोई हाँ उड़ा के देखेगा ना साहब, बर्दाश्त नहीं होगा साहब, बर्दाश्त नहीं होगा साहब। कुछ भी कर सकता है साहब, उसकी तरफ कोई देखेगा आप तो मैं कुछ भी कर सकता है साहब। पागल हो क्या तू? चल यहां से। छोड़ मेरे को, छोड़ना। देखो साहब, बहुत छोटा आदमी है साहब, बहुत छोटा आदमी है साहब, इसी वास्ते बोलता है साहब, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो ना साहब, नहीं तो अच्छा नहीं होएगा साहब, नहीं अच्छा होएगा साहब। चुप हो जा शिवम, चुप हो जा साहब, इसको माफ कर देना, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे काय को माफ कर देगा वो मेरे को? क्या किया मैं जो माफ कर देगा वो मेरे को? हाँ, मेरा दिमाग भेजा ठिकाने नहीं है। अरे इसका तो दिमाग भेजा ठिकाने है ना? अगर इसका दिमाग भेजा ठिकाने है तो काय को जाता है ये हवेली छोड़ के रात को गांव में? काय को घुस के बैठा तेरे झोपड़े के अंदर ये? हाँ? काय को बैठा? अरे इस हवेली को बर्बाद करके जी नहीं भरा, अपने बाप को इधर इज्जत रखो ना। अरे इधर इज्जत रखो अपने बाप को। तेरे को कोई छुएगा ना, देखेगा तेरे को, सुमन को कोई देखेगा छुएगा, अरे तो मैं ये हवेली जला के रख देगा मैं, अरे जला देगा मैं इस हवेली को, बर्बाद कर देगा, बिल्कुल राख कर देगा मैं इस हवेली को। माफ कर देना, ऐसे मत करो साहब। क्या सुमन, ले जाओ इसे, तो ठीक कहती है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, ले जाओ इसे। और हाँ सुन, तू फिर कभी कहीं तू मुझे मिला ना, तब शायद तुझे मेरी बात समझ में आएगी। जा, ले जा। वैसे तुम्हें ये बारिश में घूमने की अच्छी सूझी। यही वो चर्च है जो 1840 में बना था, इसके बारे में बड़े भैया तुम्हें बता रहे थे। अब ये चर्च काफी अरसे से बंद है। क्या बात है रुकमनी? न जाने क्यों घर लौटने को जी कर रहा है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता हवेली की मेहमान नवाजी में कोई कमी रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो रहा है। वैसे तुम्हें जिस चीज में खुशी मिले वही करना चाहिए। कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, फिर समझ में आता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानती। एनाटॉमी बायोलॉजी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? तुम हंसा करो ब्रिज, अच्छे लगते हो। रोते हुए कोई अच्छा नहीं लगता, क्या लगता है?
तुम्हें क्या लगता है मैं अभी तक दूध पीती बच्ची हूँ? एक दिन तुमने ठीक कहा था, तुम्हारी और मेरी उम्र का फर्क अब तक बदला नहीं है। मेरी बातें इतनी याद है तो फिर बचपन के बारे में मैंने क्या कहा था ये भी याद होगा? दूसरी दफा तुम मुझे ये बात याद दिला रही हो। लेकिन तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। इसमें जवाब देने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं। तुमने सवाल नहीं पूछा था, बस मुझे कहा था। बचपन में तुमने कहा था कि तुम बड़ी होकर मुझसे शादी करोगे। और तुम ब्रिज? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। क्यों? क्यों ब्रिज? उस गांव वाली लड़की की वजह से? पसंद करते हो तुम उसे? बात वो नहीं, बात ये है कि किसी भी औरत पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। चलो। सुमन, वो कल रात जो होया उसके वास्ते बहुत बुरा लगा मेरे को। हाँ, मेरे को भी। अरे अभी ऐसा क्यों बोलती तू? बोला ना सच में बहुत बुरा लगा। तेरे को सुनकर बुरा लगा। उसका क्या जो तूने मेरे साथ किया? तेरे को मेरा यकीन नहीं है शिवम। नहीं सुमन, कसम से सच बोलता है, तेरा यकीन है मेरे को? क्या फायदा हर बार का? तो देख सुमन, वो तो वो हवेली के छोटे सेठ पे उस पे गुस्सा था, तेरे पर निकाल दिया मैं। हाँ, तो हवेली के सेठ पे गुस्सा होता है, हवेली पे गुस्सा होता है, अपने पे गुस्सा होता है तू। और जब तू गुस्सा होता है मेरी तरफ ऐसा दिखता है जैसे कि तू मेरे को छोड़ देगा। सुमन, मैं काय को मेरी को जीते जी मार रहे थे। तू जानता है जब मेरे को लगता है तू मेरे से अलग होगा तो मेरे को कुछ नहीं सूझता, कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कैसे समझे तेरे को क्या? देख देख सुन, कुछ मत बोल। अरे मेरे को मालूम ना कैसा लगता है, तेरे को क्या मालूम? अरे मैं भी तो हजार बार मरता है। जब भी मुझे लगता है कि सुमन को मुझसे कोई छीन लेगा, सच तो चाचा जी आपने क्या तय किया? किस बारे में? ब्रिज और रुक्मिणी के शादी के बारे में। मैं ये फैसला तय करने वाला नहीं हूं शांति, ये तो रुक्मिणी और ब्रिज को ही तय करना पड़ेगा। मगर आपकी रजामंदी भी तो जरूरी है। अगर रुक्मिणी राजी है तो मेरी रजामंदी है, लेकिन ब्रिज से भी पूछना पड़ेगा।
ब्रिज तो चाहता ही है, आखिर वो बचपन से रुक्मिणी को जानता है। शांति, जानने और चाहने में फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि आदमी चाहने के बाद भी जान सके और जानने के बाद भी उसे चाहे। चाचा जी, मैं सोच रहा था कि रुक्मिणी अगर राजी हो जाए तो जल्द से जल्द शादी तय हो जाए। पहले ब्रिज से पूछना पड़ेगा। ब्रिज से क्या पूछना, वो रुक्मिणी से ही शादी करेगा। मालती, ब्रिज बच्चा नहीं है, और वैसे भी हमें औरों के फैसले तय नहीं करने चाहिए, खास तौर पे जब मामला किसी दूसरे की जिंदगी का हो। चाचा जी, मालती के कहने का मतलब ये था कि हमें पूरी उम्मीद है कि ब्रिज रुक्मिणी से ही शादी करेगा। शांति, पहले उम्मीद की बुनियाद पक्की होनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत नाउम्मीदी होती है। जिसे तू चाहती है वो तेरा ही होगा, जिसका उसे होना था उसके भाग्य निराशा ही है। शिवम कैसा है? माजिद, कल रात मैं हवेली में घुस गया। मालूम मेरे को, कल रात तू सुमन को मारा भी। अरे मेरा दिमाग भेजा ठिकाने नहीं था ना। बोलो क्या तेरे को याद है ना, मैं पहले भी बोला तेरे को, सुमन मेरी बहन जैसी है, मेरे लिए सभा और सुमन में कोई फर्क नहीं है। अभी ऐसा क्या बोलता है तू? तेरे को मालूम ना सुमन से कितना प्यार करता है मैं, फिर भी तू पम ये छोटा सेठ हवेली छोड़ के गांव में काय को आता है? काय को घुस के बैठा वो सुमन की झोपड़े में? मेरे को मालूम माजिद, उस सुमन को मुझसे छीनने का कोशिश कर रहा है। मैं जानता है, परंतु इतना याद रख कि सुमन तेरे को बहुत प्यार करती है। अभी तू उस पर यकीन नहीं करेगा ना तो कभी सुखी नहीं होएगा। माजिद, माजिद मेरे को सुमन के साथ घर बसाने का मजा। शादी कर डालना। शादी कर डालना। अरे पैसा किधर? शादी कर डालना। देख, पैसा काम सब आ जाता है, पहला उसकी सोच जिसका तेरे को जरूरत है। गुलजारी सेठ बोला मेरे को वो मेरा पगार पैसा बढ़ाएगा। आओ
यही ठीक रहेगा। नहीं शादी कर डालता ना मैं, है? करना। एक काम करना, अरे सभा को बोल सुमन के लिए शादी के वास्ते खूबसूरत सा जोड़ा तैयार करे ना, है? ये सभा किधर? मैंने देखा ही नहीं उसको ना। घर पर है। अच्छा माजिद मेरे को एक बात बोल, अपना सल्लू, अरे इतना अच्छा छोकरा वो, और तू मालूम मेरे को, पता नहीं काहे को अभी सभा सलीम से नफरत करने लगी। सल्लू मेरे को बोला, वो सल्लू को बोली किसी और को चाहती है वो, तेरे को कुछ बोली क्या? नहीं। अरे तू चिंता फिक्र मत करना, मैं है ना, अरे मैं बात करेंगा उससे, मैं संभाल लेंगा सब कुछ। देखिए ब्रिज साहब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अंग्रेज सरकार सिंधुआ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है, और सिंधुआ से हमारा मतलब सीधा सीधा भूषण परिवार से। लेकिन अभी तक मुझे इस बात का पता नहीं चला कि शांति बाबू इस बात में कितना यकीन करते हैं। किसी भी साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं, सरकार की मदद करके हमें खुशी हासिल होगी। अंग्रेज सरकार सब बर्दाश्त कर सकती है, पर खिलाफत नहीं। खिलाफत का अंदेशा आपको कैसे हुआ? अंग्रेज सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार सिंधुआ से सौराष्ट्र पहुंचने वाले थे, और ये खबर ब्रह्मदत्त ने हमें दी थी, और ये खबर झूठी भी साबित हो चुकी है, जिसकी भरपाई ब्रह्मदत्त के ट्रांसफर से हुई है। मगर एक बात, भले ही ब्रह्मदत्त की इज्जत अंग्रेज सरकार की नजर में न हो, लेकिन ब्रह्मदत्त झूठ नहीं बोलता, और इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब उसने कहा है कि हथियार है, तो आज नहीं तो कल वो बरामद हो ही जाएंगे। इस बात को भी हम नजरअंदाज कर सकते हैं। डीसीपी साहब, आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं, ये झूठी खबर ब्रह्मदत्त ने खुद फैलाई थी। अगर हथियारों की तलाश शुरू हो जाए तो पुलिस का एक बड़ा जत्था उसे आराम से हासिल कर सकता है। गांव, जंगल, समंदर या हवेली, वो जहां भी हो मिल जाएंगे। सरकार की मदद करके हमें क्या हासिल होगा? हथियार बरामद होंगे, लेकिन इल्जाम ब्रह्मदत्त पर होगा। और आपके नुकसान की भरपाई इनाम के तौर पर की जाएगी, सरकार की मदद करने के एवज में। और हाँ, हमें सौराष्ट्र के क्रांतिकारियों के नाम चाहिए। आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो शिवम? अभी मैं क्या बोलता है, तेरे को कोई बात बोला जो तेरे को बुरा लगा, तेरे को परेशान करता है, अरे तू बोलना मेरे को। क्या बोलूं, क्या परेशानी, क्या बात? ए, ऐसा येड़ा मैं भी नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मैं भी समझता है। अभी मेरे को मालूम कुछ दिन से बदल गई ली तू, दुखी परेशान दिख रही ली। अच्छा एक बात बोल, वो अपना सल्लू, उसको शादी के वास्ते ना करके काय को बोली तू? मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अभी तू सल्लू को झूठ काय को बोली? क्या बोली तू उसको कि तेरी जिंदगानी में और कोई करके है? अरे मेरे को मालूम ना तेरी जिंदगानी में और कोई है नहीं। तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है? मैं प्यार नहीं कर सकती किसी को। Thank you.
मुझे बता क्या हुआ है।